रेवाड़ी जिला के गांव चौकी नंबर एक स्थित टोल प्वाइंट को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए बीते मंगलवार कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि पिछले 35 दिनों से ग्रामीण शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से और ना ही संबंधित अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए कैप्टन ने कहा कि गूंगी भैरी भाजपा सरकार को न जनता दिखाई देती है, ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में आज के दिन कहीं पर भी टोल नहीं लग रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र में सरकार द्वारा नए टोल लगाए जा रहे हैं। इसके विरोध में सभी ग्रामीण एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, तभी इस गूंगी भैरी सरकार की नींद खुलेगी। वहीं कैप्टन अजय सिंह ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार द्वारा 18 फरवरी 2021 से चौकी नंबर एक से टोल नाका 54 लगा दिया गया है। यहां से गुजरने वाले सभी कॉमर्शियल वाहन पर टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया है, जबकि यह रोड ओडीआर की श्रेणी में आता है, जिस पर टोल टैक्स लगाने का नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह का आर्थिक शोषण व भेदभाव क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ईसीआई व एक्सियन से इस टोल को तुरंत हटवाए जाने की बात की। एक बात बताइए, चिरंजी राव वहाँ प्रतिनिधि है, जनता का चुनाव हुआ है, उसका जो है उसको प्रॉपर इनविटेशन नहीं दिया, कार्ड पे नाम नहीं है, पत्थर पे नाम नहीं है, ये केवल जो है ढकोसला है इनका, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उनने जो उन्होंने बातें लागू करी हैं, ये जो लूट रहे हैं देश को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थोड़ी ना है, इनकी सोच तो केवल जिस तरह एक लुटेरे होते हैं, इन लुटेरों की सरकार है। वहाँ पर कोई मंडी नहीं है, बिहार का आदमी अपनी अनाज यहाँ लेकर आ रहा है, राजस्थान का आदमी अपनी अनाज को लेकर हरियाणा में आता है, यूपी का किसान हमारे यहाँ लेकर आता है, क्योंकि वहाँ आर्ट सिस्टम नहीं है। ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, दो तीन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये आड़त के बाहर किसान से पहले ज़्यादा भाव में खरीद लेंगे और जो आड़ती हैं वो भाग जाएंगे, उसके बाद फिर आप केवल उनके भरोसे रह जाओगे। वो ज़मीन चाहे आपकी चाहे वो जो भी आप अनाज बेचेंगे, चाहे गेहूँ हो, चाहे वो 1000 में लें, चाहे 1500 लें, तो आप उनके भरोसे बैठ जाओगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।